श्री सदा टेस्ट गार्डन दिवस बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरा गुड़हल फूलों से लदा हुआ है और ढेर सारी ये कलियाँ आप देख सकते हैं, ये कलियों से एकदम भरा हुआ, हर ब्रांच में ढेर सारी कलियाँ और फ्लावर उतनी ही छोटी छोटी ये कलियाँ देखिए बन रही हैं, ढेरों कलियाँ बन रही हैं हर ब्रांच में, और बिल्कुल पत्ता स्वस्थ और चमकदार है, बिल्कुल शाइनिंग लिए हुए हैं पत्ते दोस्तों। इधर ये देखिए, इसमें भी पर डे फ्लावर आते हैं, पर अभी ये देखिए कलियों और फूलों से भरा हुआ है, क्योंकि प्रून करने के बाद देखिए हमको ढेरों ब्रांच मिल गए हैं। मैंने कई वीडियो शेयर किया है, डिटेल में बताया है, और इसमें भी देखिए ये ढेर सारी कलियां हैं, ये सब देसी हैं, ये हाईब्रिड का है। इसमें भी देखिए कलियां आ रही हैं, इसमें अभी एक एक करके फूल खिलते हैं, ज़्यादा नहीं, अभी एक दो ही खिले हैं। पर दोस्तों एक प्रॉब्लम हो गई है कि देखिए इसके कीड़े पत्ते खा लिए। अभी मैंने कल ध्यान दिया पर मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे क्या, मैं सोची कोई फंगस पत्तों में लग गया है, लेकिन अब समझ में आया। इसमें भी शुरू कर दिया है कि ये देखिए इसकी भी पत्ती ये कट गई है और ये कट गई है। तो कल ये मुझे कीड़ा समझ में आया, लेकिन मुझे नहीं ध्यान आया कि ये पत्ते ये चला गया, कहाँ चला गया, गिर गया पत्ते, ये कीड़े पत्ते खाते हैं, बिल्कुल नहीं आया। ये मैं दो तीन दिन से देख रही थी चढ़ रहा था, और कल जब मैंने देखा कि पत्ते पूरे इस तरह के हो गए हैं, ज़्यादा कट गए हैं, पहले एक आध कटे थे, मेरे नज़र में नहीं आया था, कीड़ा भी था, मैंने सोचा ये कीड़ा ऐसे ही बैठा है, लेकिन आज समझ में आया कि कीड़ा ही पत्ते काट रहा है। कीड़ा ये है, ये देखिए ये घुसा, ये भगा, ये देखिए ये उड़ गए, ये मक्खी है। तो अब इसमें ये नहीं, तो अभी हमारे पत्ते बिल्कुल ग्रीन शाइनिंग, कोई ना मिली बग था ना कुछ था, आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं, और फूलों कलियों से भरे हुए प्रतिदिन हमको फूल मिलते हैं। आज मैंने फूल नहीं तोड़ा, नहीं तो पहले मैं फूल तोड़ती थी फिर वीडियो बनाती थी, क्योंकि बाद में आज मैं कहीं पहले वीडियो बना लूँ फिर फूल तोड़ूँ। तो अब इसमें मैं क्या, अपने घर का नीम पकाऊंगी, जो पत्ते हैं मैंने कई बार वीडियो शेयर किया, मेरे नीम है और ये रखा है, ये पत्ते ये कड़वे होते हैं, ये धतूरा है, और हमारे पास मदार भी है, आपको दिखाते हैं, देखिए मदार है। तो बस आप 2 लीटर पानी में एक मुट्ठी नीम की पत्तियां फ्रेश ले लीजिए, 2 पत्ते मदार के, 2 पत्ते धतूरा के, 3-4-5 पत्ते कनैल के ले लीजिए। तो 1 से 1.5 लीटर पानी में उबाल लीजिए धीमी आंच में 5-10 मिनट, और छान पत्ते अलग करके छान के आप उसमें थोड़ा सा शैम्पू मिला लीजिए, या कोई लिक्विड साफ जो भी है आपके पास, या कोई फेस वाश 3 से 4 बूंद, और शाम के वक्त इस पर कर दीजिए, चला जाएगा, मैं यही करूँगी। और तो अभी स्टार्टिंग है तो चला जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो फिर अलग से देखते हैं, फिर उसमें मैं क्या करूँगी, वीडियो भी शेयर करूँगी। तो दोस्तों इन सब का राज क्या है कि ये देखिए इतने सारे कलियाँ से भरा पौधा हमें क्या, मैं क्या फर्टिलाइजर देती हूँ दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। मैंने अभी क्या दिया, जो पहले फर्टिलाइजर दिया वो भी मैंने शेयर किया है, मैं बदल बदल के होममेड फर्टिलाइजर डालती हूँ, ज़्यादा केमिकल भी डालती हूँ, लेकिन केमिकल कोशिश करती हूँ माह में एक बार, वो भी पूरी तरह से नहीं, ठंड थी तो सरसों खली में मिलाकर देती थी, अब गर्मी है तो गोबर की खाद में मिलाकर देती हूँ, कि मेरी मिट्टी ज़्यादा खराब ना हो, पौधे न जले, क्योंकि केमिकल युक्त गर्म होता है मौसम, अभी तो 4-5 दिन से ठंडा है, लेकिन फिर गर्म तो नुकसान करेगा। तो आइए फर्टिलाइजर हम बताते हैं। तो दोस्तों देखिए ये बनाना पील मैंने सुखाया है, और इसमें उसके हैं शकरकंद, स्वीट पोटैटो के छिलके हैं, आप आलू शकरकंद नहीं तो आलू भी डाल लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है, आलू में इससे भी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं मैंने देखा। तो ये मैंने शकरकंद के छिलके पीस लिए हैं, ये केला के पीस लिए हैं, और ये प्याज है, और ये चाय की पत्ती है दोस्तों। इन चारों को अगर 1 लीटर पानी में बनाना है तो एक एक चुटकी लेके, यानी चारों को 1 चम्मच टोटल 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, 24 घंटे बाद छान के इसका आप लिक्विड डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टॉनिक, जबरदस्त 24 घंटे में असर दिखाता है, बहुत ही अच्छा पोषक तत्व है, या सॉलिड डाल सकते हैं। तो आप क्या है, गोड़ा करके मैंने अभी डाला था बरसात के 4 दिन पहले। तो दोस्तों ये मिट्टी ऊपर की जैसे ये हटा लीजिए, ये मैंने हटा लिया, अभी भी डाल दूंगी तो कुछ नुकसान नहीं करेगा, देखिए मिट्टी मेरी पूरी हट गई। तो उसमें आप ये चाय की पत्ती थोड़ा सा एक जगह के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने 5 से 6 दिन पहले, मैंने बारिश अभी 4 दिन हुई है, 5 दिन उसके पहले मैंने डाला था, और सुबह डाला है, एकदम सुबह शाम को बारिश हो गई हमारे यहाँ, तो बारिश का पानी और इसका पानी मिल के देखिए हमारे गजब के फ्लावर आ गए हैं, पहले भी आते थे, मैंने वीडियो कई शेयर किए हैं, और इस समय सीजन भी चल रहा है गुड़हल का, बहुत अच्छा हर के उसमें गुड़हल लगा है, और देखिए कहीं एक एक पत्ती आप बारीक से देखिए कहीं मिली बग नहीं है। स्वस्थ पौधे क्या है, अगर हम अच्छी फर्टिलाइजर एनर्जी से भरपूर डालेंगे दोस्तों, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जब हमारे पोषक तत्व अच्छे से पौधों को मिल जाएंगे तो उसमें कोई फंगस कोई बीमारी नहीं लगती है, और
मौसम का जो उतार चढ़ाव आता है तो उसमें सहने की क्षमता होती है, लगती है तो बहुत कम लगती है, और हम जो घरेलू उपचार कर दें तो उससे बीमारी ठीक हो जाती है, बढ़ने ना दें। अगर जब बढ़ जाती तो फिर उसको कंट्रोल करना करने में टाइम लगता है। तो दोस्तों आप चाहे सॉलिड डालें चाहे लिक्विड, एक पौधे के हिसाब से आप सॉलिड डालते हैं तो 2 चम्मच डाल दीजिए सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला के या डायरेक्ट, और फिर मिट्टी से कवर कर दीजिए। मिट्टी से कवर करना इसलिए जरूरी है, पहले गोड़ा करिए, ऊपर की मिट्टी हटा लीजिए, फिर इसको डाल के कवर कर दीजिए, इससे फंगस नहीं लगेगा और ये 3 से 4 दिन में डीकम्पोज हो जाएगा पिसा हुआ है। और टॉनिक का तो बता ही दिए, तो दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है, कितने वो है जानते हैं कि इसमें सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सभी कुछ होता है अपने प्याज में, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है दोस्तों। तो और ये सब पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, कुछ मात्रा फास्फोरस की भी होती है, ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करता है, ये भी एंटीबैक्टीरियल से गुण से भरपूर होता है, पोटेशियम में भी काफ़ी मात्रा में फास्फोरस पोटेशियम पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसी तरह आप केला में जानते हैं कि काफ़ी मात्रा में पोटेशियम होता है बहुत ही ज़्यादा और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, साथ में इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, कुछ थोड़ा फास्फोरस भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, यानी बहुत, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त ताकतवर एनर्जी से भरपूर लिक्विड टॉनिक या सॉलिड फर्टिलाइजर डालिए, और डीएपी यूरिया भूल जाइए, बहुत ही अच्छा काम करेगा दोस्तों ये वर्क। दोस्तों ये देखिए मेरा ये हाइब्रिड का है, ये भी देखिए बिल्कुल गुथा हुआ है, ना कोई मिली बग ना कुछ, क्योंकि चाय की पत्ती भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और लिमिट में मात्रा डाले तो जो है मिट्टी को एसिडिक बनाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम करती हैं, लेकिन ज़्यादा न डाले, इसमें नाइट्रोजन होता है जो पौधे को नाइट्रोजन गर्मी में जला देगा, और ये सारी फर्टिलाइजर हो सके तो एकदम शाम को डाल, टॉनिक तो आप शाम को ही डालें या सॉलिड के रूप में डालते हैं तो शाम को डालें तो बहुत अच्छा होगा कि एकदम मॉर्निंग में डालें, यानी 6 के पहले, तो 8 बजे से धूप तेज होती है तब तक ठीक रहता है और वो धीरे धीरे सॉलिड फर्टिलाइजर लेता है, पर ये पिसा रहता तो ये भी बहुत ज़बरदस्त 3 से 4 दिन में पूरा डीकम्पोज हो गया, हमारी मिट्टी में मिल जाता है जो बहुत ही अच्छा एनर्जी देता है। तो चाय की पत्ती और ये जो है प्याज बहुत ही अच्छा फंगस को दूर करते हैं, इसलिए हमारे पौधे स्वस्थ हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, सेलेनियम, फास्फोरस, खनिज पाए जाते हैं, साथ में फोलिक एसिड और सल्फर ये सब पाया जाता है, और सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम का भी भंडार है, ये सारे चीज एनर्जी तो देते ही हैं, फंगस को भी दूर करती हैं, और ये सभी चीज पौधे के लिए बहुत ही जबरदस्त फायदा पहुंचाते हैं, पत्तियों को ग्रीन चमकदार बनाते हैं, फूलों का कलर निखर के आता है और ढेर सारी कलियां फ्लावर आती हैं और साइज भी अच्छे होते हैं। ये छोटा वाला ही है देखें, बड़ा वाला भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छे कलर, बहुत ही अच्छी साइज है। तो नमस्कार दोस्तों, थोड़ी सी भी मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।